नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। इसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझें। तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए एक हिमालय से प्राचीन नदी कह सकते हैं। ये हिमालय पर्वत से प्राचीन नदी है। आप पढ़े होंगे सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो कि भारत से उद्गमित नहीं होती हैं। तीनों नदियां मानसरोवर झील से उद्गमित होती हैं। मानसरोवर झील में स्थित किसी न किसी स्थान से इन नदियों को उद्गम होता है, ठीक है। और ये तीनों नदियां प्राचीन काल में जब आप गोंडवाना लैंड का निर्माण पढ़े होंगे, हिमालय पर्वत का निर्माण पढ़े होंगे, तो उस समय ये नदियां पहले से ही प्रवाहित हुआ करती थी यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। गोंडवाना लैंड प्लेट थी, एक अंगारा लैंड की प्लेट थी। तो अंगारा लैंड की प्लेट जो थी, अंगारा लैंड जो उत्तरी प्लेट थी, उसमें एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, उसमें तीनों नदियां प्रवाहित हुआ करती थी, सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां हिमालय पर्वत से प्राचीन नदियां हैं जिनका उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम उद्गम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील में पुरांग जिले, तिब्बत का एक जिला है पुरांग जिला, वहां पास एक स्थित है अंगसी ग्लेशियर जो कि मानसरोवर झील का ही स्थल है, ठीक है। तो मानसरोवर झील में स्थित है एक ग्लेशियर जिसका नाम है क्या, अंगसी ग्लेशियर। और अंगसी ग्लेशियर से ही आपकी निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे प्रमुख खासियत है कि इसे प्रवाहित जहां मतलब जिन जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है उसे वहां विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि तिब्बत में, तिब्बत चाइना, तिब्बत वर्तमान में चाइना के अधिकार में, आपको पता होगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी तिब्बत में प्रवाहित होती है तो इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में प्रवाहित होते हुए यह नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है तो यह बृहद हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की तीन श्रेणी है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसमें सबसे उत्तरी श्रेणी है हिमालय पर्वत की बृहद हिमालय। उस बृहद हिमालय को काट कर नदी जब प्रवाहित होती है, जब किसी पर्वत को काट कर नदी जब प्रवाहित होती है तो एक सकरी खाई के समान संरचना बनाती है, एक सकरी खाई के समान संरचना बनाती है। मान लीजिए जैसे ये आपका पर्वत है और यहां से कोई नदी आपकी प्रवाहित होते हुए आ रही है। अब मान लीजिए इस पर्वत को, इस नदी की प्रवाह की दिशा ये दक्षिण दिशा में ऐसे मुड़ जाती है, तो इस पर्वत, ये जो पर्वत है, इस पर्वत को नदी लगातार अपने प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र को पूरा गहरी खाई के समान काट देती है और झरने के समान नीचे गिरने लग जाती है। खाई में ऐसे झरने के समान नीचे गिरने लग जाती है। इसी को कहते हैं गार्ज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। तो कोई भी नदी जब, ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं होती, लगातार नदियां प्रवाहित होती कई हजारों वर्ष, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी आज की नदी तो है नहीं, बहुत दिनों से प्रवाहित होती है। लगातार प्रवाहित होने के कारण यह पर्वतों को क्या कर देती है, काट देती है। और पर्वतों को काट कर एक खाई का निर्माण करती है जिसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। और इस यह नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काट कर एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पास आपकी नदी प्रवेश करती है और बृहद हिमालय को काट देती है और एक गार्ज का निर्माण, एक सकरी खाई का निर्माण करती है जिसे हम दिहांग गार्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश भारत में अरुणाचल प्रदेश असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। प्रमुख रूप से अगर इसके प्रवाह की बात करें तो यह आपके तिब्बत चाइना प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है और अंतिम रूप से बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए गंगा यानी पद्मा से मिलकर मेघना की संयुक्त धारा के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। आप सिंधु नदी की लंबाई पढ़ेंगे 2780 किलोमीटर, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी लंबाई है, 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 1315 किलोमीटर। भारत में तो कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 1315 किलोमीटर, ठीक है। तो यह नदी जब हमारे
अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? सियांग और दिहांग। समझिएगा, तिब्बत में से यरलुंगसांग को के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, किस नाम से जाना जाता है? सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए असम में प्रवेश करती है, यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए, यहाँ पास एक जिला है असम का डिब्रूगढ़, आप सुने होंगे, तो असम का एक जिला है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के निकट असम में प्रवेश करती है नदी। अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जिले के निकट असम में प्रवेश करती है, और यह नदी भारत में असम में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, और असम की, असम राज्य भारतीय राज्य है, असम राज्य की यह सबसे बड़ी नदी है। असम राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और यह कहां पास प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए डिब्रूगढ़ के निकट, यहाँ पास है डिब्रूगढ़ असम का एक जिला, यहाँ पास ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, और असम में प्रवाहित होते हुए आपकी यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो असम में जब यह नदी प्रवाहित होती है, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है, सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यह नदी असम में प्रवेश करती है, ये जो इतना जो क्षेत्र असम में प्रवाहित होता है इसका, इस नदी का, इस नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहां जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से असम जिले, असम राज्य में जाना जाता है। ठीक है, भारत के असम राज्य में जब यह नदी प्रवाहित होती है, किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पहली विशेषता ये हो गई असम में। अब एक चीज यहाँ बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है, असम में इस नदी पर एक द्वीप स्थित है, असम में इस नदी पर एक द्वीप स्थित है। द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह हिस्सा या वह स्थली भाग, भूमि का वह हिस्सा या वह स्थली भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। जैसे कि ये मान लीजिए कोई भूमि का हिस्सा है, ये कोई स्थली भाग है, और इसके चारों तरफ जल भरा हुआ है। इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। तो ये जो बीच का हिस्सा है, एक तरह से हम कह सकते हैं टापू, एक तरह से हम कह सकते हैं टापू। ठीक है, तो वह स्थली भाग, भूमि का वह हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक द्वीप स्थित है, इसे माजू द्वीप के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? माजू द्वीप के नाम से जानते हैं। और दुनिया का जो माजू नदी द्वीप है, जो माजू नदी द्वीप है, नदी में स्थित प्रमुख द्वीप है माजू द्वीप, जो असम में स्थित है, ये गुवाहाटी के निकट, असम का एक जिला है गुवाहाटी, गुवाहाटी के निकट स्थित है आपका माजू द्वीप। और माजू द्वीप दुनिया का, माजू द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप है, नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है और कौन सा है, तो माजू द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम भारत में स्थित है। ठीक है, तो माजू द्वीप जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में गुवाहाटी के निकट स्थित है, तो असम की जो सरकार, असम सरकार ने माजू द्वीप को नदी जिला घोषित कर दिया है। यानी कि देखिए, ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, चारों तरफ से जल से तो घिरा होगा, लेकिन यहाँ जो वहाँ के असम की जो जनसंख्या वहां तो निवास करती होगी, वहां लोग रहते हैं, इस कारण असम की जो सरकार है इसे नदी जिला घोषित किया है। और ऐसा होने वाला यह भारत का एकमात्र जिला है जो कि नदी में स्थित है, नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसे असम सरकार ने नदी जिला घोषित किया है। ठीक है, स्थित कहाँ है? गुवाहाटी, असम, ब्रह्मपुत्र नदी, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और एक चीज और इसकी एक विशेषता असम में ये है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर सन 2018 को यहाँ एक पुल का उद्घाटन किया है, जिसे हम बोगीबिल ब्रिज के नाम से जानते हैं। एक बोगीबिल ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में, बढ़िया बड़ा सा पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई पांच किलोमीटर है, जिसे हम बोगीबिल ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? यही असम में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि अभी 2018 की घटना है, 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बोगीबिल ब्रिज का, जिसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, और कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आगे प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जब इसे प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जब यह नदी प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए यहाँ से एक नदी आपकी भारत की सबसे लंबी नदी आती है प्रवाहित होते हुए, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं।
गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए आती है और इसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और यमुना जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, पद्मा यानी जिसे हम गंगा कहते हैं, ये दोनों नदियां आपस में संयुक्त रूप से मिल जाती है। ये दोनों नदियां यमुना या पद्मा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां आपस में क्या हो जाती है, संयुक्त रूप से मिल जाती है। और यहाँ से एक नदी मणिपुर से एक नदी प्रवाहित होती है, मणिपुर से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम बराक नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी है बराकर, बराकर नदी इसकी दामोदर की सहायक नदी है, बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। और ये जो नदी बराक नदी, इनमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो बराकर नदी में बता दूं आपको दामोदर की सहायक नदी है और जो बराक नदी है, बराक नदी का उद्गम मणिपुर जिले से, मणिपुर राज्य से होता है, भारत के मणिपुर राज्य से बराक नदी का उद्गम होता है। और यह नदी मणिपुर से प्रवाहित होते हुए असम में प्रवेश करती है और जब मणिपुर असम में इसी नदी को मणिपुर और असम में मतलब यहाँ तक का जो इसका अपवाह क्षेत्र है, इस अपवाह क्षेत्र को इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये बराक नदी आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना नदी कोई दूसरी नदी नहीं है, वही बराक नदी जो आपकी मणिपुर से निकलती है, असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में उसी बराक नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। अंततः क्या होता है कि यमुना जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं और पद्मा जिसे हम गंगा कहते हैं, इन दोनों की संयुक्त धारा जब आगे प्रवाहित होती है तो आगे जाकर इसी मेघना नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है, संयुक्त रूप से मेघना नदी से मिल जाती है। और ये तीनों नदियों की संयुक्त धारा आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर अपवाय मुहाना बनाती है। इन तीनों नदियों का जो अपवाय क्षेत्र है प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, मतलब मुहाना बनाता है, डेल्टा बनाते हुए अपना बंगाली खाड़ी में मुहाना बनाती है। और ये अपने मुहाने पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, अपने मुहाने पर बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है भाई, अब आपसे कोई पूछे कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा देखिए मान लीजिए ये कोई नदी प्रवाहित होती है, ये कोई नदी आपकी प्रवाहित होते हुए आ रही है और नदियां आपको पता है कि अपने साथ विभिन्न प्रकार का औसाद बहाकर लाती है, मिट्टी बालू जो कुछ भी है, मलवा सलवा सब अपने साथ बहाकर लाती है। जब ये नदी प्रवाहित होते हुए अपना मलवा सलवा सब कुछ लेकर आती है और ये सारा जो भी लेकर आती है औसाद, ये अपने मुहाने पर, जब ये जैसे ये आपका स्थलीय क्षेत्र है और ये आपका जलीय क्षेत्र है जहाँ इसको अपना मुहाना बनाना है, जब ये यहाँ गिरने को होती है, अपना मुहाना बनाने को होती है, तो पूरा मलबा जो इनका अवसाद होता है, इनके आगे धीरे धीरे क्या होता है, जमा हो जाता है, जिस कारण इन नदियों की धारा, ये जमे हुए मलबे के कारण नदियों की धारा के मार्ग में क्या हो जाता है, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि नदियां जो प्रवाहित होती है इनके मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। इस कारण ये नदियां विभिन्न धाराओं में छोटी छोटी नाली के समान धाराओं में विभाजित होकर इस प्रकार प्रवाहित होने लग जाती हैं और बीच का जो क्षेत्र है यहाँ मिट्टी भरा रहता है और आगे नदियां प्रवाहित, मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है, ठीक है, पूरा दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है। वही इसी प्रकार आपकी जो हुगली नदी गंगा से अलग होकर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए हुगली नदी डेल्टा का निर्माण करती है और यहाँ से तीनों नदियां मेघना यमुना और पद्मा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, इसे हम पद्मा यमुना के नाम से जानते हैं, और मेघना, इन तीनों नदियां आपकी बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करती है। क्या होता है, जो हुगली नदी डेल्टा है और ये ब्रह्मपुत्र गंगा और मेघना नदी जो डेल्टा, ये तीनों नदियों का डेल्टा आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, आपस में मिल जाता है। तो हुगली नदी से लेकर, हुगली नदी डेल्टा से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा का सर्वाधिक भाग कहां, किसके अंतर्गत आता है, बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। तो ये हुगली नदी यहां से चालू होता है और यहां तक पूरा डेल्टा क्षेत्र विस्तृत है, दलदली क्षेत्र विस्तृत है और सुंदरबन डेल्टा अपने विशिष्ट प्रकार के वनों के लिए विख्यात है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनों की प्रजातियां पाई जाती हैं, मैंग्रोव प्रजाति के वन पाए जाते हैं, आप सुने होंगे, तो अपने विभिन्न प्रकार के वनों की प्रजातियों के रूप में जाने जाते हैं। मैं किसी दिन सुंदरबन डेल्टा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा आपको, ठीक है, अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी को समझते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने जो कुछ थोड़ी बहुत चीजें अभी तक जानी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दो तरह से पढ़ते हैं, बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां और दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां। बाएं तट से अगर देखें तो इसकी चार नदियां आकर मिलती हैं,
दिबांग और लोहित। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित दो नदियां आपकी यहाँ से उद्गमित होती हैं, जो असम में डिब्रूगढ़ के निकट जाके किससे मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां होंगी, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित नदियां दोनों जाके डिब्रूगढ़ के निकट किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फिर असम से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है कपली और एक का नाम है धनश्री। एक का नाम क्या है, कपली, कपली और एक का नाम है धनश्री। तो कपली और धनश्री नदियां दोनों जाके असम में ही इससे मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिलती हैं। तो चार बाएं तरफ से चार नदियां पड़े, दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में, और असम, और असम में कपली और धनश्री, ये चार नदियां आपकी जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। दाएं तरफ से आकर देखते हैं हम, तो दाएं तरफ से आकर इससे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो दाएं तरफ से अगर हम दाएं तरफ से इसकी नदियां देखें, तो आपकी सबसे पहले यहां से सिक्किम में जेमू ग्लेशियर स्थित है। सिक्किम में हिमालय पर्वत में ग्लेशियर स्थित है, जिसे हम जेमू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है क्या, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी प्रमुख रूप से आपकी आपकी ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। और पूछा जाता है तिस्ता किसकी सहायक नदी, तिस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और तिस्ता नदी के बाद फिर आपको बताता हूँ जिया बरेली, रैडार, मानस, सुबनासरी और पगलादिया। एक बार और रिपीट करता हूँ, जिया बरेली, दूसरा है रैडार, तीसरा है मानस, चौथा है सुबनासरी, पांचवा है पगलादिया। ये पांच नदियां किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है, जिनमें से मानस और सुबनासरी और पगलादिया, मानस सुबनासरी और पगलादिया नदियों को उद्गम अरुणाचल प्रदेश से ही, हिमालय पर्वत से होता है। और जिया बरेली रैडार नदियों को उद्गम आपका कहाँ से होता है, भूटान से होता है। जिया बरेली रैडार नदी का भूटान से उद्गम होता है, मानस सुबनासरी और पगलादिया तीनों नदियां अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और तिस्ता नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से होता है। तो ये आपकी पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर पूरा नदियों का जो जाल दिखाई दे रहा है, इसी नदियों के जाल को हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो ये जो यहाँ से आपकी ये नदियां आपकी मिली, और यहाँ से जो आपकी नदियां मिली, यानी उत्तर से जो नदियां आकर मिली और दक्षिण से जो नदियां जाके मिली, तो इस पूरे नदियों का ये जो पूरा ये जाल बनता है, इसी नदियों के जाल को हम तंत्र कहते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। और जो आपके बीच का जो क्षेत्र दिखाई देता है, ये जो बीच का क्षेत्र दिखाई देता है इसकी सहायक नदियों का, इस नदी, इस पूरे बीच के जो इस ये जो बीच का क्षेत्र होता है, इसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं, नदी अपवाह क्षेत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह क्षेत्र, यानी इतना क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां इतने अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई आपस में मिलते हुए बहती हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र अपवाह क्षेत्र कहलाता है, और इनकी सहायक नदियों का जाल क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। इस चीज को समझिएगा, अपवाह क्षेत्र और तंत्र में थोड़ी थोड़ी अंतर है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, जो नदियों का पूरा जो घेरा होता है, जो विस्तृत क्षेत्र, जो क्षेत्र होता है, जैसे ये नदी आई और ये बीच का जो क्षेत्र है, ये नदी आई जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच जो संपूर्ण क्षेत्र को मिलाकर हम आंकड़ा लगाते हैं, हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से जो नदियां प्रवाहित होती हैं और जाकर मिलती हैं किसी नदी से, उसे हम तंत्र कहते हैं। तो इस संपूर्ण क्षेत्र को हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के प्रमुख नदी तंत्र है, ये हमेशा याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के प्रमुख नदी तंत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से प्रमुख नगर असम में प्रमुख नगर है आपके डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर। ये पूछा जाता है कि डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है, तो डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है, यही ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। आपका गुवाहाटी जिसके निकट माजुल द्वीप निर्मित करती है ब्रह्मपुत्र नदी, माजुल द्वीप स्थित है, जिसे असम सरकार ने नदी जिला घोषित किया है। और तेजपुर जो कि असम में स्थित है। और ये तीन प्रमुख क्षेत्र पूछे जाते हैं जो कि इसके किनारे स्थित प्रमुख क्षेत्र है। और तिब्बत, चाइना, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है, आपको मैंने बता दिया है। और बोगीबील ब्रिज जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। लगभग लगभग हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में काफी चीजें कवर की हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम थोड़ी चीज समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है, तो इसे हम सियांग तियांग के नाम से जानते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि जब यह नदी मैदानी भागों से प्रवाहित होते हुए आपके इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो इसे सियांग, और जब पहाड़ियों से इसकी अपवाह क्षेत्र से इसकी धाराएं निकलती हैं, तो इसे हम तियांग के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ी बहुत कंसेप्ट ऐसा माना जाता है, मैं अभी इस पे श्योर नहीं हूं कि ऐसा
हो सकता है कि कोई नदी किसी में कभी मैदानी क्षेत्र से निकलती है तो कभी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब यह नदी मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो इसे सिहां कहते हैं, और जब ये पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दिबांग और लोहित इसके अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी। तो ये पूरा जो प्रमुख जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतनी जानकारी है, प्रमुख होती है हमारे लिए, और आप अच्छे तरीके से इस नदी तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करिएगा, और इस पे लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली है और कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल।